जस्ट 7:30 बजे एक सेशन किया, जितने भी लोग आपकी तरह कनेक्ट थे एक भी आदमी हिला नहीं था। 99% लोग लास्ट तक बैठे रहे और काफी सारे नोट लिखे। इतना बढ़िया सेशन उनके थ्रू उनको जानने को मिला है। तो आपको भी काफी कुछ खुद की हेल्थ अच्छी रखने के लिए जानने को मिलेगा। तो भी ओपन रहे, उनका इंट्रोडक्शन दूं मैं। वो खुद इंजीनियर है। अभी इंजीनियर माइंड में बिठा के आप ये मत सोचना कि इंजीनियर कैसे हेल्थ के बारे में बात करेगा। इंजीनियर ही बात अच्छी तरह से करने वाले हैं, समझो। क्योंकि तो इंजीनियर जो कर सकता है, मैंने पहले ही बोला कि अपने दिल्ली के सीएम सीएम है इंजीनियर। ओ भाई, शिवानी मैडम, ओम शांति ओम के स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मैडम इंजीनियर है। एक बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर सुमित बहादुर करके हैं, जिनके अलग अलग कंट्रीज में घर है, इंजीनियर है। ठीक वैसे अभी जो व्यक्ति को मैं बुलाने वाला हूँ वो भी इंजीनियर है, लेकिन हेल्थ की इंफॉर्मेशन देने में मास्टर है दोस्तों। वो हमको जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। और मैं इतना बताऊं दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। और इनके पास जो बेसिक जानकारी है उससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं दोस्तों। ये मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकता हूं, हमारे हमने सबने देखा हुआ है कि पुराने जमाने में इतने ज्यादा डॉक्टर्स नहीं थे, इतना ज्यादा साइंटिस्ट आगे नहीं था, उसके बावजूद लोग बहुत हेल्दी रहते थे। क्यों? उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन थी। वो गॉड प्रिंसिपल के साथ चलते थे, कुदरती नियमों के साथ। वैसे ही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देंगे यहां पर। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम वीकेंड राणा ऑन द स्क्रीन, जोरदार तालियों के लिए। थैंक यू गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे मेंटर मेरे बिजनेस कोच ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। राइट, मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे तो मेरा नाम विकेंद्र राणा है। बाय क्वालिफिकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। राइट, गवर्नमेंट कंपनी में मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ पावर प्लांट इंडस्ट्री में। राइट, और मेरी वाइफ जो सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर है, उसके साथ इस बिजनेस को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जयसेन सोनल पटेल, जो आज के की नोट स्पीकर थे, उसके अम्ब्रेला के तले इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम में पैशनेटली बिल्ड करते हैं दोस्त। और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमने पहला सेशन बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया और वी हैव सेव्ड बेस्ट फॉर द लास्ट। राइट, और ये सेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है हेल्थ के हिसाब से। राइट, आज सभी को रिक्वायरमेंट है हेल्थ की। राइट, आज आप कोविड की सिचुएशन में देख ही रहे हो कि सबसे ज्यादा लोगों की प्रायोरिटी क्या हो गई है, हेल्थ। अगर आज किसी आदमी के पास इनकम है तो वो आज सबसे ज्यादा खर्चा हेल्थ पे करना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तो हम जानेंगे कि क्यों बॉडी अनहेल्दी हो जाता है। राइट, तो मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करके आपको शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है। राइट, सिंपल इतना समझ लो कि अगर हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है वो हमको पता चल जाए। राइट, और उसकी मैकेनिज्म हम देख ले कि ह्यूमन बॉडी में डैमेज कैसे होता है और उस डैमेज को हम रोक ले। राइट, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होना चालू हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बॉडी बनता कैसे है। जैसे दुनिया में सबसे छोटे से छोटा कण क्या होता है? परमाणु। राइट राइट, परमाणु होता है, परमाणु सबसे छोटे से छोटा कण होता है। इसी तरह हमारे बॉडी में सबसे छोटे से छोटा कण यानी कि तत्व होता है सेल, जिसको बोलते हैं कोष। राइट, जो सबसे छोटे से छोटा कण है। राइट, और जब सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है टिश्यू। राइट, बहुत सारे सेल इकट्ठे होके बनते हैं टिश्यू। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारे बॉडी में होते हैं। बहुत सारे टिश्यूज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बनते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन। राइट, जठर, किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे मानव अंग। भगवान ने हमको पहले सेल बनाया, सेल में से टिश्यू बनाया, सारे टिश्यू इकट्ठे होके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बने और डिफरेंट डिफरेंट जो अंग थे उसको कनेक्ट करके हमारा पूरा बॉडी को ऊपर वाले ने डिजाइन किया है। राइट, और ह्यूमन बॉडी चलाने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन बॉडी चलाने के लिए चाहिए खाना और ऑक्सीजन। राइट, हम सबको पता है कि हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं। राइट, तो इसी तरह से हमारे कोष को एनर्जी मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमारे सेल को एनर्जी मिलती कहाँ से है, कैसे हमारे सेल जीवंत रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इक्वेशन दिखाया है केमिकल फॉर्मूला का। उसकी इक्वेशन के डीप में नहीं जाना है, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं
आप सिंपल इतना समझ लो कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, राइट। और ग्लूकोज में जब कन्वर्जन होता है और हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है, राइट। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो ये एटीपी है जो हमारे सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसी एटीपी की वजह से हमारे सेल चलते हैं। सेल चलता है तो टिश्यू काम करते हैं, टिश्यू सारे काम करते हैं तो ऑर्गन काम करता है, ऑर्गन सारे अपना अपना काम करेंगे, यानी कि जो लंग्स है उसका काम सांस लेना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, राइट। हृदय का काम है पंपिंग करना है, ब्लड वेसल्स तक ब्लड को पहुंचाना है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाने को पचाना है। जो एटीपी में जो सेल प्रोड्यूस होता है, इसी एटीपी की वजह से ये सारे फंक्शन नॉर्मल हो पाते हैं, राइट। लेकिन एटीपी के साथ साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, सांस में से बाहर निकाल देते हैं, राइट, जिसको उच्छ्वास बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर पानी बनता है। तो नीचे आप जो रिएक्शन देख रहे हैं वो पानी बनता है उसकी उसका रिएक्शन है, राइट। हमारा जो बॉडी हो 75% पानी से बनता है, लेकिन जो पानी बनने के लिए चाहिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन में से पानी बनने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये बॉडी में हमारे प्रोसेस होता ही रहता है कंटिन्यूस, जैसे जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिएंगे ये प्रोसेस होता ही रहेगा। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि 98% केसेस में 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है चौथा इलेक्ट्रॉन वो आसानी से नहीं मिलता। और जब वो नहीं मिलता तब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चुराता है पता है, वो हमारे सेल में से चुरा लेता है ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब जो सेल में से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है तो हमारे सेल डैमेज होता हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं, राइट, जिससे सेल डैमेज होता है, राइट। तो फ्री रेडिकल से होता क्या है, और ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए तो क्या होगा, तो सेल डैमेज हो जाएगा, बहुत सारे सेल डैमेज हो जाएंगे तो आप कोई आदमी को कैंसर हो सकता है। ऐसी प्रक्रिया अगर आंख में शुरू होना हो जाए तो इसको मैक्यूलर डिजेनरेशन बोलते हैं, जिसको मोतिया बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया अगर हार्ट में शुरू हो जाए तो आपको हार्ट डिसीज हो सकता है। ऐसी प्रक्रिया अगर पाचन तंत्र में शुरू हो जाए तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया अगर हड्डियों में शुरू हो जाए तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया अगर ब्रेन में शुरू हो जाए तो उसको पार्किंसन ब्रेन डैमेज बोलते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट होते हैं उसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं। और इस सेल जो डैमेज होता है वो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डैमेज होते रहते, फिर इतना सारा डैमेज हो जाता है तो उनकी सारी वजह, ये सारे जो आपको डिसीज दिख रहा है वो अभी आप करंट मार्केट में देख ही सकते हो। क्यों? क्योंकि सेल डैमेज होने लगते हैं। तो सेल डैमेज क्यों होते हैं, क्यों उनको चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, राइट। तो हम अगली स्लाइड में वो देखेंगे कि क्यों चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता और सेल डैमेज होने की कारण क्या है, राइट। तो पहला कारण है मोर एक्सरसाइज, राइट। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादातर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज जरूरी है हेल्थी रहने के लिए, एक्सरसाइज करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादातर एक्सरसाइज करने की वजह से भी फ्री रेडिकल ज्यादा जनरेट होते हैं। मोर स्ट्रेस, आज किसकी लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की लाइफ स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेस की वजह से भी ज्यादातर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अगर आप सच में स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो ना, तो अभी हमारा जो कीनोट स्पीकर जयसेन सोनल पटेल ने बात किया ना, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, अगर आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हो ना तो आप स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हो। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, आज एंटीबायोटिक का जमाना है, राइट। तो बहुत सारे मेडिसिन की बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और वो फ्री रेडिकल की वजह से हमारे ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, राइट। फिर आता है पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, स्मोकिंग। आपको पता नहीं होगा शायद, स्मोक करने वालों से ज्यादा जो स्मोक नहीं करते हैं, जो पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, जो स्मोकिंग के संपर्क में आते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होता है। और दूसरा कारण है अल्ट्रावायलेट रेस, राइट। अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि सूर्य की किरण है। तो आप बोलेंगे सूर्य की किरण तो बहुत अच्छी है, इसमें तो विटामिन डी मिलता है। ऑफकोर्स विटामिन डी मिलता है, लेकिन आप को पता नहीं होगा कि हमारे पृथ्वी के बाहर ओजोन का लेयर होता है, राइट। और ओजोन के लेयर की वजह से उसमें अभी क्या होता है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया कि वो ओजोन का लेयर सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा हमारे बॉडी पे आते हैं
और जब वो बॉडी में एंटर होते हैं तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कभी कभार तो कैंसर तक को निमंत्रण दे देते हैं, राइट। तो ये सारे कारण है फ्री रेडिकल्स के बचने के लिए, राइट। तो फ्री रेडिकल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। मैंने जैसे बताया कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है जो सेल नहीं मिल पाता पानी बनने के लिए, तो वो कहां से चुराता है, हमारे सेल से, तो फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होता है। अगर वही चौथा इलेक्ट्रॉन मैं बाहर से दे दूं तो क्या करेगा, वो सेल में से नहीं लेगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, वो चौथा इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होता है वो दे देगा और हमारे सेल को बचा लेगा, यानी कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का लेवल होना बहुत जरूरी है। जितना एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होगा उतना बॉडी हमारा हेल्दी होगा, राइट। अगर आप देख रहे हो अपनी स्लाइड में कि जो फ्री रेडिकल अगर ज्यादा बढ़ गए तो आपका बॉडी अनहेल्दी हो जाएगा, अगर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बढ़ गए तो आपका बॉडी हेल्दी हो जाएगा, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट आप लाएंगे कहां से, राइट। तो हम वो देखेंगे अगले स्लाइड में कि ये एंटीऑक्सीडेंट हम कहां से प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, हाउ टू स्टे हेल्दी, हम अपने लाइफ को हेल्दी कैसे बनाए, राइट। तो किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा उसको कमाना पड़ता है, इज्जत कमानी पड़ती है। जयेश भाई ने बोला पैसे तो कमाना पड़ता है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इज्जत भी कमाना पड़ता है, तो इसी तरह हेल्थ को भी कमाना पड़ता है। तो यहाँ पे चार पिलर है हेल्थ के, जो है EARN, अर्न। तो आपको हेल्थ को भी कमाना पड़ेगा। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हो 20 से 30 मिनट तक भी, नॉर्मल योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, तो आपका बॉडी हेल्दी रह सकता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आज आप देखो तो आज की यंग जनरेशन देखो या कोई भी जनरेशन, सब लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया से ज्यादातर क्या मिलता है हम सबको, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, हमको जो एटीट्यूड चाहिए वो नहीं मिल पाता। और जब भी अभी जयेश भाई ने जो बात किया है एमवे बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस में एक ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम है जो क्या करता है, ऐसे सक्सेसफुल लोगों को संगत देता है, वो माहौल देता है कि हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहे। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करता है। तो ये एक पिलर ये हो गया, राइट। जो तीसरा पिलर है रेस्ट, 6 से 8 घंटा नींद, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल की जनरेशन के साथ क्या होता है, सब लोग मोबाइल में लगे हुए, डे नाइट तक हम मोबाइल में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए ज्यादातर आप देखते हो कि JNY में डिप्रेशन की मात्रा बढ़ती जाती है, राइट। और चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है न्यूट्रिशन, राइट। मैं सिंपल इतना बताऊंगा कि ये जो तीन पिलर है वो आपकी हेल्थ का 25% कवर करते हैं, और ये जो चौथा पिलर है न्यूट्रिशन वो हमारी हेल्थ का 75%, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट वो हमारा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कवर करता है। अगर न्यूट्रिशन की ही कमी होगी तो आपकी बॉडी में ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगे तो फ्री रेडिकल डैमेज होता ही चला जाएगा, राइट। इसीलिए वो बीमारी आती है। अगर फ्री रेडिकल्स के डैमेज को हम अर्ली स्टेज पे ही रोक ले, अगर हम ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर लेंगे तो हम न्यूट्रिशन के वाइज भी हेल्दी रह सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड, जिसका नाम लेते मुझे गर्व होता है, वो वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड है न्यूट्रीलाइफ, राइट। तो हम जानेंगे अभी अगली स्लाइड में, राइट, कि कैसे वो हमको बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। न्यूट्रीलाइट के बारे में बताऊं तो 1934 में कार्ल एफ रेनबर्ग ने न्यूट्रीलाइट की स्थापना की थी। उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिनरल में से नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को दे सके, राइट। यानी कि आज न्यूट्रीलाइट के पास 80 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इस जूम कॉल में जितने भी कनेक्ट हुए हैं वेबिनार में, शायद मोस्ट ऑफ द पीपल की उम्र 80 साल भी नहीं होगी, लेकिन आज न्यूट्रीलाइट के पास 80 साल का एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट ऑफ द नेचर एंड बेस्ट ऑफ द साइंस है, राइट। 108 कंट्री में न्यूट्रीलाइट आज लोगों को हेल्थी रहने में मदद करता है, राइट, और लोगों को पैसा कमाने में भी मदद करता है। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रीलाइट कैसे हमारे सेल के डैमेज को बचाता है और कैसे हमको हेल्थी रहने में मदद करता है। क्यों न्यूट्रीलाइट ही चूज करें, कोई और ब्रांड क्यों नहीं, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए न्यूट्रीलाइट ही क्यों, क्यों, क्योंकि सीड टू सप्लीमेंट सारा कंट्रोल न्यूट्रीलाइट अपने हाथ में रखती है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है, कोई भेड़ सेल नहीं है, राइट। जो खातर भी यूज होते हैं वो रासायनिक खातर यूज नहीं होते, नेचुरल खातर यूज होते हैं, क्योंकि उसके ऑर्गेनिक फार्म में उसकी फार्मिंग होती है, राइट। और सीड टू सप्लीमेंट तक सारे कंट्रोल न्यूट्रीलाइट के पास रहते हैं।
यानी कि जो पौधा उगाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है उसकी प्योरिटी 100% मेंटेन करते हैं। इसी की वजह से वो हर प्रोडक्ट्स पे 30 डेज मनी बैक गारंटी देते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आप 30 दिन तक इस्तेमाल करोगे, अगर आपको इफेक्ट नहीं मिला तो 100% पैसा आपको वापस मिल जाएगा, राइट? तो अब हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रीलाइट हमको हेल्प करता है, राइट? तो हम अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे न्यूट्रीलाइट के जरिए से हम हेल्दी रह सकते हैं, राइट? तो उसके बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज की उसकी प्रोडक्ट्स है, तो मैं डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट के बारे में अब बात करने वाला हूँ कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो बेस्ट सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है ये और फर्स्ट प्रोडक्ट है? क्योंकि हमारे सेल को हमको हेल्दी रखना है, राइट? सेल हेल्दी रहेंगे तो टिश्यू हेल्दी रहेंगे, टिश्यू हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, अगर ऑर्गन हेल्दी रहेंगे तो अपना बॉडी अपना जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएगा, राइट? और हमारे जो सेल है वो 75% प्रोटीन के बने होते हैं, राइट? और दुनिया में आपको पता नहीं है, इंडिया की बात करूं एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, यानी कि उन लोगों में प्रोटीन की कमी है, और 85% लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो भी खाना खा लेते ना उससे हमको इनफ प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप खुद चेक करना चाहते हो तो WHO का रेकमेंडेशन ये है कि आपका जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन हर रोज आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं हो पाता, हमारे बॉडी में भगवान ने कहीं भी टंकी नहीं रखी कि आप यहाँ पे प्रोटीन रख दो और जब चाहे तब यूज कर लो। नो, प्रोटीन डेली आपको लेना पड़ेगा और डेली उसका कंजम्पशन होता रहेगा, राइट? जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपको हर रोज लेना है, यानी कि अगर मेरा वजन 60 kg है तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे हर रोज लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे सेल अच्छे बिल्ड होंगे, राइट? अगर आपको लगता है कि आप इनफ प्रोटीन ले पा रहे या नहीं ले पा रहे, अगर आपको चेक करना है तो न्यूट्रीलाइट प्रोटीन कैलकुलेटर करके एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, अगर आप जिसके साथ भी यहाँ पे कनेक्ट हुए उनको बोलना कि न्यूट्रीलाइट प्रोटीन कैलकुलेटर में मेरा प्रोटीन कैलकुलेशन गिनवाओ, उसमें सब रेसिपी दी गई हुई, राइट? कि आप क्या खाते हो, कितनी बार खाते हो, कितना टाइम खाते हो, आप सब डालोगे तो उसमें कैलकुलेशन होकर बाहर आएगा कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो आपको रियली पता चल जाएगा कि यस, हमारे इंडिया में 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। प्रोटीन डेफिशिएंट की वजह से क्या होगा, हमारे हेयर के ग्रोथ नहीं अच्छे होंगे, हमारी स्किन की ग्रोथ नहीं अच्छी होगी, हमारे ऑर्गन में जो नए सेल बनने चाहिए वो अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो हमारे सेल के डेवलपमेंट को, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में मदद करता है। अगर किसी भी इमारत को आप देखोगे उसके उसका जो फाउंडेशन यानी कि जो पाया है वही अच्छा होगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगा, इसी तरह हमारा जो फाउंडेशन है सेल का वो है प्रोटीन। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन इनफ होगा और प्योर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होगा तो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी अच्छे होंगे, तो हमारा बॉडी मजबूत फिट रहेगा और किसी भी प्रोटेक्शन के सामने वो यानी किसी भी अटैक के सामने वो लड़ पाएगा। तो हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि उसके बेनिफिट्स क्या है, राइट? तो न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर जो 100% प्लांट प्रोटीन है, और जनरली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारे सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड्स भी बनाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, लेकिन 9 टाइप ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, जो हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, राइट? अगर और न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर WHO स्टैंडर्ड प्रमाण ऐसा फर्स्ट प्रोटीन पाउडर है जो 9 ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड आपको एक ही स्कूप में प्रोवाइड करता है। अगर आप 10 ग्राम का स्कूप लेते हो तो उसमें 8 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है, और मार्केट में भी प्रोटीन होगा लेकिन उसमें क्या होगा, 10 ग्राम के स्कूप में 3-4 ग्राम प्रोटीन होगा, बाकी का शुगर होगा, तो क्या होगा, बीमारी बढ़ जाएगी, राइट? उसका पीडी का स्कोर एक है, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल है। जब आप पूरे आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर तो 100% वो आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है, राइट? उसमें कोई कलर या शुगर नहीं है और इजीली आप डाइजेस्ट कर पाते हो, राइट? और प्रोटीन के साथ साथ हमको क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेगा, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट डेली, राइट? न्यूट्रीलाइट डेली के बारे में बात करूंगा तो न्यूट्रीलाइट डेली हमको, राइट? उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्मार्ट चॉइस, राइट? तो अभी स्मार्ट चॉइस के जो स्लाइड है तो आप देखोगे कि प्रोटीन की डिमांड अगर आपको फुलफिल करनी है तो आपको 11 अंडे खाने पड़ेंगे, 50 केले खाने पड़ेंगे, 25 पोटैटो खाना पड़ेगा, 8 ग्लास दूध पीना पड़ेगा और 8 कप दही खाना पड़ेगा। इतना अगर आप रोज खाओगे
तब जाके आपकी प्रोटीन की डिमांड फुलफिल होगी। लेकिन आप सिंपल प्रैक्टिकली सोचो कि क्या आप हर रोज इतना सारा खाना खा पाओगे, इवन कॉस्ट वाइज और हेल्थ वाइज? नो, साइड इफेक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऐसे बनाया गया है कि हमारे डेली की प्रोटीन की डिमांड को फुलफिल करता है और हमारे सेल को हेल्दी रखने में मदद करता है। राइट, सेल अच्छे हो गए तो बॉडी अच्छा होगा, जैसा मैंने बताया। और उसके साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए जो फ्री रेडिकल को रोक सके, सेल के डैमेज को रोक सके। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट डेली, राइट, जो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स है। राइट, न्यूट्रीलाइट डेली के बारे में बात करो तो उसकी एक टैबलेट, राइट, 13 एसेंशियल विटामिन और 11 मिनरल्स देती है। राइट, अभी अभी मैं रिसेंटली आर्टिकल के बारे में बात करूं तो एमवे कंपनी ने अभी इम्यूनिटी कैंपेन शुरू किया है, आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो इम्यूनिटी कैंपेन बाय एमवे, तो आपको पता चलेगा कि डेली में ऐसे ऐसे मिनरल्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इम्यूनिटी अच्छी होना एक अलग बात है और इम्यूनिटी को बूस्ट करना अलग बात है। अगर सरहद पे हमारे सैनिक को हम अच्छे हथियार देंगे तो अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। इसी तरह न्यूट्रीलाइट डेली में ऐसे ऐसे मिनरल्स और विटामिन है जो हमारे सेल को हथियार यानी कि वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, जो ताकि हमारे सेल किसी भी अटैक से पॉल्यूशन से अच्छी तरीके से लड़ पाते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स प्रिजर्वेटिव नहीं है, राइट, और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे 24 विटामिन एंड मिनरल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसको देखने जाओगे तो कितने सारे 9 कलर्स ऑफ साग भाजी और 9 कलर्स ऑफ फ्रूट्स खाने पड़ेंगे हर रोज, तब जाके इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और उसका कॉस्ट गिनने जाओगे ना तो आज के प्राइस के हिसाब से 100 से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमारी न्यूट्रीलाइट डेली 17 रुपीज की एक टेबलेट और नेचुरल तरीके से बनाई गई हुई, राइट, जिसमें कोई भी कलर प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्लांट में से ही निकाली है और 24 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को हर रोज फुलफिल करता है ताकि हमारे बॉडी में सेल डैमेज ना हो। राइट, तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे उसके डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। तो लेट्स हैव अ एवी प्लीज। अब मैं मान रहा हूं कि ये दो मनुष्य और ये बोली के सेल्स हैं, एज एग्जांपल हम लोग मान लेंगे। थोड़े थोड़े हमने चावल इन दोनों में डाले, ये तो मनुष्य और ये बॉडी में चावल एज ए बॉडी के अंदर सेल्स का काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाला दोनों में, ये मैं ऐसे केमिकल मान लूँ, जैसे हम खाना खाते हैं या कुछ लिक्विड इस तरह की कुछ ना कुछ केमिकल हम लोग खाते हैं, वो केमिकल इंटरनली या बाहर कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हम ले रहे हैं, इसे मैं केमिकल मान लूँ। अब जब हम किसी एनवायरनमेंट में आते हैं, केमिकल के एनवायरनमेंट में आते हैं, तो कुछ खाने के माध्यम से या पीने के माध्यम से हमारी बॉडी में केमिकल जाता है। तो देखिए हमारे सेल्स पे क्या असर करता है। हम 5-5 बूंदे इसमें डालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम दूषित एनवायरनमेंट में गए, चावल काला हो गया है, इसका मतलब क्या है? केमिकल खाने के वजह से हमारे शरीर के सेल्स भी इस तरह से मर जाते हैं। अब हम इस डेली का प्रभाव देखते हैं। जो शख्स एक टेबलेट डेली खाता है उसकी बॉडी पे क्या असर होता है? इसका थोड़ा सा क्रशिस करके इसमें डालता हूं।
देख रहे हैं आप दोनों में डिफरेंस, एक में चावल एकदम वाइट हो गया है, सफेद हो गया है, और दूसरे में चावल एकदम काला है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए, जाने अनजाने में खाने के माध्यम से हम कुछ ना कुछ केमिकल ले रहे हैं, वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे ऊतकों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर डेली की बात करूँ तो न्यूक्लियर डेली एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट है जिसमें 13 विटामिन से 11 मिनरल्स होते हैं। ग्रेट ग्रेट, हमने इस डेमो में देखा कि जो चावल, जो हमारे सेल्स है, वो कैसे डैमेज हो जाते हैं केमिकल की वजह से, प्रदूषण की वजह से, और न्यूट्रलाइज डेली कैसे उसको न्यूट्रलाइज करता है एज वेल एज फर्दर डैमेज होने से बचाता है, राइट? जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जो आज साग भाजी और जो फ्रूट्स है वो कितने प्योर है वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसके साथ न्यूट्रलाइज डेली का सेवन करते हो तो आपको हर रोज डैमेज से बचाएगा और हर रोज अच्छे सेल बनाने में मदद करेगा, राइट? और इसके साथ सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट्स है जो प्लांट में से ही निकाले गए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट्स मिलता है, इसीलिए वैसे इसको हमेशा खाने के साथ ही लेना चाहिए, राइट? तो हम अगली कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ेंगे जो, राइट, जिसका नाम है हार्ट केयर रेंज, राइट? हार्ट केयर रेंज में यहाँ पे आपको तीन प्रोडक्ट्स दिखाई देती है, राइट, जो जिसका नाम है सालमन ओमेगा 3, गार्लिक हार्ट एंड कोएंजाइम Q10। आज हार्ट की केयर करना कितना जरूरी हो गया, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम सुनते हैं लोगों के मुंह से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, राइट? आज ये शब्द अजान नहीं रहे, हम परिचित हो गए इस शब्द से। अगर इस शब्दों से आप दूर रहना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास वो है सालमन ओमेगा 3, राइट? सालमन ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, राइट? हमारे बॉडी में दो टाइप के ओमेगा एसिड, फैटी एसिड होते हैं जिसका नाम है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, राइट? ओमेगा 6 भी जरूरी है, ओमेगा 3 भी जरूरी है, लेकिन उसका बैलेंस होना चाहिए। जीवन में हमेशा एक चीज है ना, हर चीज अच्छी लगती है लेकिन अपनी लिमिट में अच्छी लगती है, राइट? बैलेंस में अच्छी लगती है। संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत, राइट? किसी भी चीज का कुछ बहुत ज्यादा हो जाना बहुत ही डेंजरस होता है, राइट? लेकिन क्या है, आज की जनरेशन जंक फूड पे रिलाई करने लगी है, तो जंक फूड में क्या होता है, जंक फूड की वजह से ओमेगा 6 बढ़ता जाता है। अगर आपके पास 6 ओमेगा 6 है उसके सामने 1 ओमेगा 3 होना ही चाहिए, लेकिन आज की सिचुएशन क्या हो गई है, 40 ओमेगा 6 है उसके सामने 1 ही ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता है, हमको बाहर से लेना पड़ता है, जो हमको सालमन फिश, मैक्रॉन फिश में से मिलता है, राइट? और सालमन ओमेगा 3 न्यूट्रीलाइट का यही ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करता है। तो फैटी एसिड क्या करेगा, ओमेगा 3 हमारी जो ब्लड वेसल्स है जिसमें जो फैट और जो कचरा बोलते हैं वो जमा हो जाता है, उसको क्लीन करने में मदद करेगा। दूसरा, उसको स्थिति स्थापक यानी कि इलास्टिसिटी बनाने में मदद करेगा, इसलिए प्रेग्नेंट वुमन के लिए ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है, जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है, राइट? अगर नॉर्मल डिलीवरी से अगर बच्चा हो ना तो उसकी इम्यूनिटी सीजरियन के बच्चे से अच्छी होती है, राइट? न्यूट्रलाइज गार्लिक हार्ट दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट? आप सबको पता है कि गार्लिक का जो यूज होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली गार्लिक खाना शुरू करेंगे तो क्या होता है, एसिडिटी, राइट? क्योंकि गार्लिक बहुत ही गर्म होता है, राइट? और हमारे मुंह से बैड स्मेल भी आती है, लेकिन न्यूट्रलाइज गार्लिक हार्ट ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एसिडिटी की वजह से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाएगा, लेकिन गार्लिक हार्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता, और गार्लिक हार्ट का सेवन करने से कभी भी आपको मुंह से बैड स्मेल नहीं आएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि मेरी कंपनी में एक ऑपरेटर थे जिसको मैंने ये कॉम्बो पूरा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हमारी कंपनी में जो पावर प्लांट्स में बहुत सारी सीढ़ियां होती है, बहुत हाइट पे जाना होता है, तो उनका क्या था कि बहुत ही उनका जो हार्ट था, उनका जो पल्स रेट था ना, वो बहुत ही ज्यादा था, राइट? और वो एक कंटिन्यूअस सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, लेकिन 2 महीने से वो इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, और आप मानोगे नहीं, उनके पल्स रेट 125 से गिरकर 80 के अंदर आ गए, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब से मैं कंटिन्यूअस सीढ़ी चढ़ पा रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। आप सोचो कि अगर खाने के साथ इस प्रोडक्ट का कॉम्बो लिया जाए तो कितना बढ़िया बेनिफिट होगा। अगर आप हार्ट की बीमारी से कंटिन्यूअसली दूर रहना चाहते हो फॉरएवर, तो फॉरएवर खाने के साथ इस कॉम्बो का सेवन करो। यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट भी है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। तो कोएंजाइम Q10 का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम है उसकी प्रक्रिया को फास्ट करता है। जैसे सेल में मैंने एनर्जी बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात की ना, वो जो ATP बनता है जिससे हमके सेल को एनर्जी मिलती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है वो प्रक्रिया स्लो हो जाती है।
तो कोएंजाइम Q10 क्या करता है, हम उस प्रक्रिया को फास्ट करने में मदद करता है। यानी कि अगर आप साग भाजी खाओगे तो उसको आप कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा, प्रोटीन खाओगे तो एमाइनो एसिड बनेगा, चर्बी खाओगे तो फैटी एसिड बनेगा, राइट। अगर आप इसके साथ कोएंजाइम Q10 का सेवन करते हो तो इस प्रोसेस को इतना फास्ट बनाएगा कि हमारे सेल में एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि ओमेगा 3 और इसके साथ आप लोगे तो जो हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट के सेल का जो फंक्शन है वो बढ़ेगा, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स भी क्लीन रहेंगे। तो इस कॉम्बो को अपने जीवन में अपना के आप हार्ट की बीमारियों से दूर रह सकते हो, राइट। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट कैटेगरी में बात करने से पहले मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि गूगल पे आज सबसे ज्यादा वर्ड क्या सर्च हो रहा है? इम्यून सिस्टम, राइट। मैंने अभी अभी आर्टिकल में पढ़ा कि इम्यून सिस्टम लास्ट 6 महीने से 200% ज्यादा सर्च हुआ है। तो इम्यून सिस्टम है क्या, इम्यून सिस्टम को कैसे बिल्ड करें, राइट। लोग क्या करते हैं कि चलो भाई नींबू का पानी पी लिया इतना ग्लास तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, आइसक्रीम में हल्दी डाल के खा लिया तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। आप सिंपल प्रैक्टिकली सोचो मेरे फ्रेंड कि अगर इम्यून सिस्टम बिल्ड करना इतना आसान होता तो क्या हमारा देश कोविड की सिचुएशन में फंसता? आज देखो हमारा देश में 70 लाख से भी ज्यादा कोविड के केसेस हो चुके हैं, राइट। तो हम आज सिंपल तरीके से जानेंगे कि इम्यून सिस्टम है क्या और इम्यून सिस्टम को सही तरीके से बिल्ड कैसे किया जाए, राइट। तो इम्यून सिस्टम का जो पहला लेयर होता है हमारी स्किन, राइट। जो हमारी स्किन जो होती है तो वो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि धूल होता है, प्रदूषण में कुछ भी होता है तो उसको आने से रोकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमारे स्किन में एंटर कर जाते हैं और ऐसे हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। अब जब वो एंटर करते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी में, राइट। तो भगवान ने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, राइट। जैसे हमारे देश के बॉर्डर के तहत सैनिक तैनात होते हैं ना, उसी तरह हमारे बॉडी में भी सैनिक है, राइट। आप अपना ब्लड रिपोर्ट तो करवाते ही हो, तो ब्लड रिपोर्ट में क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपका होता है। तो डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे होते हैं, मोनोसाइट, फेगोसाइट, लिम्फोसाइट, बहुत सारे कण होते हैं। लेकिन अब हम सिर्फ फेगोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में सामान्य भाषा में बात करेंगे। ये कि होते क्या है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इमीडिएटली अटैक नहीं करता, वो अपनी संख्या बढ़ाता है, राइट। फिर वो अटैक करना शुरू होता है। लेकिन क्या होता है कि फेगोसाइट है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जब हमारे बिल्डिंग के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पता है कि घर का सदस्य कौन है, उसको बाहर का आदमी पता चल जाता है। इसी तरह जो बाहर का जो भी वायरस और बैक्टीरिया आता है ना, वो फेगोसाइट को पता चल जाता है और फेगोसाइट क्या करता है, उसको खाना शुरू कर देता है ताकि वो खत्म हो जाए, कि बाहर का आदमी है उसको आने ही नहीं देना है। और वो फेगोसाइट जब खाता है तो लिम्फोसाइट को सिग्नल भेजता है कि अगली बार ये आदमी आएगा ना तो उसको हमको खत्म कर देना है। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देगा ताकि अगली बार जब ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करे तो हम इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे। जो आप अब कोविड की सिचुएशन में भी सुनते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो एंटीजन टेस्ट में कुछ नहीं करते, वो एंटीबॉडी की चकासनी करते कि क्या एंटीबॉडी है, अगर एंटीबॉडी है तो कोरोना इसको हो चुका है। लेकिन इम्यूनिटी बिल्ड करने का दो तरीका है दोस्त, एक होता है हर्ड इम्यूनिटी, राइट, और दूसरा होता है अपने शरीर की इम्यूनिटी जिसको हम खुद डेवलप करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित होना पड़ता है। अगर कोविड की सिचुएशन में अगर आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने जाओगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ी आबादी को इन्फेक्शन होना पड़ेगा, इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। अगर ज्यादा आबादी को इन्फेक्टेड हुआ तो कुछ ज्यादा जाने भी गंवानी पड़ेगी, तब जाके वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, राइट। तो बहुत ही टफ सिचुएशन है, हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और हम सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन 2024 तक तो रहने ही वाली है, तो क्या हर्ड इम्यूनिटी से डेवलप करेंगे? नो, इससे अच्छा है आप अपने शरीर की खुद की इम्यूनिटी डेवलप करो। तो खुद की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे फेगोसाइट और लिम्फोसाइट को ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के सामने लड़ सके। और उसको ताकतवर बनाने के लिए जो चीज है, जो सेल बनते हैं उसको बोलते हैं टी सेल, राइट। ये टी सेल इसकी बंदूक है, जो हम सैनिक के पास जो बंदूक देते हैं ना, अगर अच्छी से अच्छी राइफल होगी तो दुश्मन को अच्छी तरह कैसे मारेगा, इसी तरह टी सेल जितने अच्छे होंगे जो फेगोसाइट और लिम्फोसाइट अच्छे से काम करेगा, यानी कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया के सामने हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो टी सेल कहाँ से बनेंगे, तो टी सेल बनाने के लिए बेस्ट वे है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो हमारे पास विटामिन सी भी है जो नेचुरल तरीके से टी सेल के उत्पादन को प्रमोट करता है, जिसका नाम है न्यूट्रीराइट नेचुरल सी,
राइट 40 mg की टेबलेट से जो ऐसे द्वारा चेरी में से बनाई गई है, जो नॉर्मल इम्यूनिटी फंक्शन को तो सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन फ्री रेडिकल जो सेल डैमेज होता है उससे उसको भी बचाता है और टी सेल के उत्पादन को भी प्रमोट करता है। तो अब हम डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखेंगे कि कैसे ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो लेट्स हैव अ एवी प्लीज। आलू के मैं दो पार्ट कर लेता हूं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे लीवर है। दोस्तों जब हम जाने अनजाने में कुछ केमिकल वाली चीजें खाते हैं तो लीवर कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, कुछ केमिकल हमारे लीवर पे चिपक जाता है और ये केमिकल हमारे लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम चेक करते हैं विटामिन सी का हमारे लीवर के लिए क्या योगदान है। इसमें से मैंने एक टेबलेट ली है और टेबलेट को मैं आलू के ऊपर रफ करता हूँ और चेक करते हैं क्या होता है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये आलू के ऊपर लगे केमिकल को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इसने आलू के ऊपर जो केमिकल चिपका हुआ था उसको एसिड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आइए सेकंड आलू पे भी हम यही प्रोसेस अपनाते हैं। दोस्तों देखिए धीरे धीरे इसने केमिकल के असर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं ये दोनों ही आलू बिल्कुल स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हवा पानी खाने में जो केमिकल मौजूद है उसके माध्यम से हमारे लीवर को नुकसान पहुंचता है और इस नुकसान की भरपाई करने का सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी। ओके ग्रेट ग्रेट। तो हमने देखा कि नेचुरल सी कैसे हमारे बॉडी को स्वस्थ बनाने में, हमारे बॉडी में टी सेल के उत्पादन करने में और डैमेज को प्रोटेक्ट करने में, डैमेज से बचाने में हमारी मदद करता है, राइट। लेकिन जयेश भाई ने बताया ना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो हमारे न्यूट्रीलाइट आयुर्वेद को भी प्रमोट करती है। तो हमारे पास दूसरा भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट तुलसी, राइट। आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो मैं तो तुलसी के पत्ते खा लूंगा डायरेक्ट, लेकिन आप सोचो एक साथ 100 तुलसी के पत्ते खा पाओगे, राइट। लेकिन हमने क्या किया, 100 तुलसी के पत्तों में जितनी इम्यूनिटी है, जितने एक्टिव इंग्रीडियंट्स है, उनको ले इकट्ठे करके एक टैबलेट बनाया। यानी कि आप एक टैबलेट लोगे तो 100 तुलसी के पत्तों की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। आप सबको पता है कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करती है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि न्यूट्रीलाइट तुलसी, स्पेसिफिकली बात करूंगा तो न्यूट्रीलाइट तुलसी स्मोकिंग को क्विट करने में भी मदद करती है। यानी कि जिसको स्मोकिंग छोड़ना है उसके लिए भी न्यूट्रीलाइट तुलसी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग जब जिसको छोड़ना होता है ना वो निकोटीन बैच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रीलाइट तुलसी का सेवन करोगे ना तो वो सिगरेट पीने की जो क्रेविंग होती है ना वो कम हो जाएगी। इस तरह आप स्मोकिंग को भी छोड़ सकते हो न्यूट्रीलाइट तुलसी की वजह से, राइट। और अगली कैटेगरी में बारे में बात करो उससे पहले आप सब लोग एक शब्द से परिचित हो गए, डायबिटीज, राइट। सबको पता है कि हर घर में आज डायबिटीज है, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, राइट। और सबको पता है कि डायबिटीज एक बार आ गया तो पूरी जिंदगी हमको दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये समझ ले कि डायबिटीज होता कैसे है और डायबिटीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वो कारण पता चल जाए तो कैसा रहेगा, राइट। तो मैं सिंपल, आपको पता है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए ये पैनक्रियास करके ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं स्वादोपिन, वो क्या करती है, वो इंसुलिन बनाती है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, राइट। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे एज होती जाती है प्रदूषण की वजह से या बैड ईटिंग हैबिट की वजह से, वो पैनक्रियास अपना काम बराबर नहीं कर पाता, तो क्यों नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हुआ, इंसुलिन इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ कि हमारे खाने को एब्सॉर्ब करे, राइट। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप 100 ग्राम खाना खाएंगे तो उस हिसाब से इंसुलिन जनरेट होगा, आप 500 ग्राम खाना खाएंगे तो उस हिसाब से इंसुलिन जनरेट होगा। यानी कि ये ग्रंथि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी
तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं डायबिटीज। और जैसे ही ब्लड में डायबिटीज का डिटेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि चलो आप डायबिटीज की गोली पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। वो गोली खाते हैं तो क्या होता है पता है, आपको बाहर से इंसुलिन मिल जाता है, रेडीमेड इंसुलिन मिल जाता है। लेकिन हमने क्या कहा गया, इसके जो काम था इंसुलिन जनरेट करना उसको तो बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। अगर ये पैनक्रिया स्वादुपिंड अच्छी तरीके से काम करेगा तो इंसुलिन ज्यादा बनेगा, इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो डायबिटीज आएगा ही नहीं, राइट। तो क्या आपके पास सॉल्यूशन है? लेकिन वी आर वेरी प्राउड कि न्यूट्रीलाइट में इसके लिए भी सॉल्यूशन है जो इसके कार्यों को बढ़ाता है, जिसको जिस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीलाइट मधुनाशिनी सुंती एंत्वा, राइट। तो न्यूट्रीलाइट मधुनाशिनी जो प्रोडक्ट है जिसमें तीन वनस्पति का इस्तेमाल किया गया है, मधुनाशिनी सुंती एंत्वाक, मधुनाशिनी है वो इंसुलिन बूस्टर है और शुगर ब्लॉकर है। मधुनाशिनी का सेवन करने से क्या होगा, आपकी शुगर की क्रेविंग कम हो जाएगी, इसलिए आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी और इंसुलिन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है मधुनाशिनी का कि आपके जो पेनक्रियास है, स्वादुपिंड है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, राइट। दूसरा है सुंती, जिसको बोलते हैं ड्राई जिंजर, राइट। ये वो क्या करता है कि हमारे शुगर लेवल को कम करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, लेकिन हमारी अच्छी पाचन शक्ति को डेवलप करता है, राइट। इसीलिए जो खाना खाते हैं हम वो अच्छी तरीके से डाइजेशन हो पाता है, इसलिए वो स्वादुपिंड को ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए स्वादुपिंड अच्छी तरीके से कार्य कर पाता है। और तीसरा है त्वक, जो एंटीऑक्सीडेंट हमको प्रोवाइड करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम भी है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। आज कोविड की सिचुएशन में सब लोगों को पता है कि कोविड में सीवियर अटैक कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, राइट। लंग्स में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर लंग्स कैसे काम करते हैं और लंग्स को कैसे हेल्दी रखा जाए तो कोविड को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे जो आपको पिक्चर देख रहे हैं, जैसे हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये लंग्स की पाइपलाइन में जाता है, वहां से ब्लड में चला जाता है, राइट। और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस पाइप में आता है और जो हम उच्छ्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हमारे जो पाइपलाइन में क्या होता है, लंग्स की पाइपलाइन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन जब कोविड अटैक करता है या फिर न्यूमोनिया का अटैक होता है या फिर अस्थमा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसमें क्या होता है, ये पाइपलाइन वो चॉक हो जाती है, वो क्लीन नहीं रह पाती, राइट। म्यूकस बनने लगता है, जो जिसको हम कफ बोलते हैं वो कफ बनने लगता है, इसलिए वो एयर के पैसेज को रोकती है, यानी कि जितनी मात्रा में हमको एयर चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए था, उतनी मात्रा में हमको नहीं मिल पाता, इसलिए वो सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। और आपको पता है कि सिनेरियो अब कैसा हो चुका है, वो सांस लेने की दिक्कत में कोविड की सिचुएशन में। अगर हमको ये सॉल्यूशन मिल जाए कि हम अपने लंग्स की पाइपलाइन को कैसे हेल्दी रखें, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है और वी आर वेरी प्राउड कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट वसाखा मूलेथियन सुरसा, राइट। जो इसमें भी तीन वनस्पति का इस्तेमाल किया गया है, राइट, जो हमारी हेल्थी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स को हेल्दी रखने में मदद कर पाता है, राइट। जो वसा का है वो जो म्यूकस है वो लाइन है उसको चौक नहीं होने देता, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी है, यानी कि सूजन नहीं होने देता, राइट। और जो कोविड का जो डाइजेशन इनडाइजेशन जो पीरियड बोलते हैं ना, वो 14 दिन का है। अगर 14 दिन तक उसको अटैक करने का मौका नहीं मिले तो वो निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है, राइट। तो हम अगर रेगुलर बेस पे न्यूट्रीलाइट वसाखा का सेवन करेंगे ना, तो हमारे जो है लंग्स है उसकी लाइन चौक नहीं होगी, यानी कि ऐसा कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारी सिस्टम भी उसको खत्म करेगी और हमारे लंग्स भी हेल्दी रहेंगे, तो हम कोविड की सीवियरिटी से भी बच सकते हैं और हम लोगों को ये प्रोडक्ट प्रमोट करके हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो हम अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, राइट। अगली कैटेगरी है हमारे पास बोन एंड जॉइंट हेल्थ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। बोन की बात करूं तो हम हमारे माँ के पेट में होते हैं तब से बनना शुरू हो जाता है, और वहां पे जब बोन बनते हैं तो हम हमारे मम्मी में से वो कैल्शियम चुरा लेते हैं, इसलिए वुमन्स में एज टाइम पासिस वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, राइट। ऐसा नहीं है कि जेंट्स में नहीं होता, जेंट्स में भी होता है, वो फ्री रेडिकल जनरेशन अगर हड्डी में शुरू होना हो गया तो संधिवा का प्रॉब्लम जेंट्स को भी आता है। तो अगर हमारे कैल्शियम लेवल को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है कैलमैक डी, जिसमें हम हमारे कैल्शियम, आपको लगता है कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए यूज होता है, नहीं, कैल्शियम बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी यूज होता है, राइट। जैसे हार्ट का पंपिंग हो गया, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना हो गया, ज्वाइंट का मेंटेनेंस का काम हो गया, दांत को मजबूत रखने का काम हो गया,
राइट। लेकिन कैल्शियम आप अकेले लोगे ना तो फायदा नहीं है, कैल्शियम का अपनी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है, कैल्शियम को पचाना भी जरूरी है। तो पचाने के लिए हमारे पास विटामिन डी होना चाहिए। तो हमारी जो कैलमैक डी प्लस डिजाइन की गई है तो उसमें कैल्शियम भी है, मैग्नेशियम है जो जॉइंट के मेंटेनेंस में काम आता है, और विटामिन डी भी है जो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में भी काम आता है। यानी कि आप अपने कैल्शियम के लेवल को तो अच्छा रखोगे ही, लेकिन उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी अच्छा रख पाओगे। और हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी प्रोडक्ट है वो है जॉइंट के लिए ग्लूकोसामाइन एससीएल, राइट। जनरली क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, और टिश्यू के बीच में लिक्विड होता है। जनरली प्रदूषण की वजह से, बैड लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड खत्म होने लगता है। लिक्विड खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, वो लिगामेंट्स भी धीरे धीरे घिसने लगता है। उसके ऊपर लोड पड़ता है तो क्या होता है, वो लिगामेंट्स खत्म होने के बाद हड्डी के ऊपर हड्डी जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस। अगर आप ऐसी बीमारियों से दूर रहना चाहते हो और अच्छे लिगामेंट्स की हेल्थ के लिए और अपने लिक्विड को बनाए रखना चाहते हो तो ग्लूकोसामाइन एससीएल का सेवन करो। और इस कॉम्बो का सेवन करके हम अपनी हड्डियों को तो हेल्दी रख ही सकते हैं, लेकिन हमारे सारे जॉइंट्स को भी हेल्दी रख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो हम अगले कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे, राइट। उससे पहले हम कैल्शियम का डेमो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे सिंथेटिक कैल्शियम मिलते हैं। तो देखते हैं कि हमारा कैल्शियम जो है वो कैसे मार्केट के कैल्शियम से ज्यादा नेचुरल है और ज्यादा इफेक्टिव है। तो लेट्स हैव अ एवी प्लीज। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया डेमोस्ट्रेशन लेके हूँ। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने न्यूट्रिलाइट का अल्फा अल्फा कैल्शियम प्लस प्रोडक्ट लिया हुआ है, और मार्केट का कैल्शियम प्रोडक्ट जो कि ट्रिपल ए केल के नाम से आता है। एक छोटे से डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों डेमो करने के लिए मैंने दो ग्लासेस लिए हैं, पानी लिया है और टर्मिक पाउडर लिया है। तो आइए दोस्तों हम लोग दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। तो सबसे पहले मैं कैल्शियम का जो मार्केट का प्रोडक्ट है ट्रिपल ए केल के नाम से आता है, इसका एक कैप्सूल निकालता हूं और इसके अंडर का पाउडर हम निकालते हैं और इसको पानी में डालते हैं। दोस्तों देखिए हमने ये पानी में डाल दिया है। अब मैंने न्यूट्रिलाइट का प्रोडक्ट अल्फा अल्फा कैल्शियम प्लस लिया, आप चेक कर सकते हैं। इसकी कुछ टेबलेट में निकालता हूं। इसकी एक टेबलेट को लेता हूं और इसको क्रेसिस करके दूसरे पानी में डालता हूं। ये देखिए हमने क्रेसिस इसके कर रहे हैं और इसको हमने पानी में डालना है। दोस्तों ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसको एक टेबलेट को क्रशिस करके पानी में पूरी तरह से डाल दिया है। अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम इन दोनों ग्लासेस में टर्मिक पाउडर थोड़ा थोड़ा डालते हैं, और पहले ग्लास में मैंने डाला जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट है, सेकंड जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दोस्तों मैंने दो चम्मच लिए, एक चम्मच इसमें डालता हूँ, दूसरे चम्मच पे इसमें डाल देता हूँ। अब इसको घुमाते हैं। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, एक का कलर लाल है, दूसरे का कलर पीला। सिंथेटिक प्रोडक्ट जो पानी में मिला उसने पानी के कलर को लाल कर दिया है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, फूड सप्लीमेंट की, तो उसने पानी के कलर को अभी भी पीला रखा है। तो दोस्तों आप इस छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से जान सकते हैं जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे सिंथेटिक कैल्शियम और नेचुरल कैल्शियम में क्या फर्क होता है। और आप भी सोचो प्रैक्टिकली कि हमको कौन सा कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे डेली की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप न्यूट्रिलाइट कैलमैक डी और ग्लूकोसामाइन का सेवन करके आप अपने
जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको आप हेल्दी बना सकते हो। और नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं हम, जिसको बोलते हैं वुमन्स बेसिक रेंज, राइट। तो वुमन्स बेसिक रेंज ऐसा नाम सिर्फ इसलिए दिया है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वुमन के लिए है, वो जेंट्स के लिए भी है। उसमें दो प्रोडक्ट्स है, चेरी आयरन और नेचुरल बी, राइट। जो आयरन है वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो है हर एक ऑर्गन के पास जाता है उस वो अच्छा रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो वुमन्स में ही प्रॉब्लम आता है, वो जेंट्स में भी प्रॉब्लम आता है। आप गूगल करोगे कि कितने लोग आयरन डेफिशिएंट है, तो दुनिया में 30% से भी ज्यादा आबादी आयरन की डेफिशिएंसी से पीड़ित है, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट है नेचुरल बी, जो विटामिन बी की हर डिमांड को फुलफिल करता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स, राइट, जो हमारे ब्लड फ्लो को फास्ट करने के लिए मदद करता है। तो अभी हम चेरी आयरन का डेमो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो कैसे वो प्योर आयरन है और हमें कैसा आयरन लेना चाहिए। लेट्स हैव अ एवी प्लीज। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत जबरदस्त डेमोंस्ट्रेशन लेकर आई हूँ। थोड़ा सा न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के बारे में आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनिक टैबलेट है, एक न्यूट्रिशन है ये, कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी इसको ले सकती है और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो चलिए डेमोंस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ मेरे पास है मार्केट की आयरन, जो कि मार्केट की बेस्ट आयरन है, जिसको सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और दूसरी तरफ है न्यूट्रलाइट का चेरी आयरन। और देखिए ये बेस्ट आयरन है, जो कि मार्केट का बेस्ट आयरन, जो कि हर लेडीज़ को रिकमेंड किया जाता है जब अगर उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है न्यूट्रलाइट का आयरन। तो कुछ इस तरीके से आयरन के कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं, इसका डेमोंस्ट्रेशन आपने बहुत देखा होगा, तो चलिए एक बार फिर देख लीजिए आप। कुछ इस तरीके से इसके कैप्सूल्स आते हैं और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आज आपको दिखा देती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके अंदर मोस्टली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उनको आयरन की गोली जो है रिकमेंड करी जाती है। अच्छे अच्छे डॉक्टर आयरन की गोली रिकमेंड करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए डॉक्टर्स अपने घर में तो आयरन की गोलियां नहीं बना रहे ना। तो आज मैं आपको दिखा रही हूं कि जो मार्केट में मेडिसिन तैयार हो रही हैं वो किस तरीके से हमें प्राइस कम करके हमें क्या खिला रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये मैग्नेट मेरे पास है और इसके अंदर जो ये आयरन की बॉल्स बनी हुई है छोटी छोटी, वो कैसे चिपक रही है। और फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी बॉल्स आयरन की इस पे चिपक रही हैं, ये है कच्चा लोहा, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल है और सिर्फ प्राइस को नीचे करने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती हैं, जिससे हम कम प्राइस देखकर चीज़ों पर जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं। और फ्रेंड्स देखिए आप सभी जानते हैं जितना आप गुड़ डालेंगे चीज़ उतनी मीठी होगी। देखिए आप जितना प्राइस पे करेंगे उतना ही आपको बेटर क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। और देखिए ये प्रोडक्ट अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी में जाएगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे आयरन की टैबलेट खाइए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। जब आप इजी सोर्स से बढ़िया सोर्स से आयरन ले सकते हैं, लाइक मुनक्का, काजू, ठीक है, पालक, चुकंदर, अगर जब आप इनसे, अनार, इनसे आयरन ले सकते हैं तो आप टैबलेट्स की तरफ क्यों जाते हैं। अगर आपको जाना भी पड़ता है तो फिर हम क्यों ना अच्छी क्वालिटी की तरफ प्रेफर करें। और आप देख रहे हैं ना क्या हाल चल रहा है मार्केट का, तो बहुत ज़बरदस्त डेमोंस्ट्रेशन है फ्रेंड्स। अगर इस डेमोंस्ट्रेशन से आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन में आपकी आंख पक्का खुल जाएगी। और अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के बारे में। जबरदस्त प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले हम ये चुंबक को साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, जो इस पे एक्स्ट्रा आयरन लगी हुई है इसको क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि आपको डेमोंस्ट्रेशन देखने में आसानी हो। और देखिए ये भी आयरन है, न्यूट्रलाइट का बढ़िया ऑर्गेनिक वे में तैयार किया हुआ आयरन है। और चुंबक से क्यों नहीं चिपक रहा भाई, ये भी तो आयरन है। ओहो ढंग से चिपका के देखते हैं एक बारी। भाई सबको पता है कि भाई जब बेस्ट टैबलेट जो मार्केट की मैंने अभी डेमोंस्ट्रेशन करा था वो चुंबक से चिपक रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं चिपक रहा, इसमें आयरन नहीं है क्या। ढंग से चिपकाती हूँ मैं जरा, थोड़ा सा नहीं चिपक रहा। इसका मतलब ये खराब टैबलेट है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आयरन का मतलब ये नहीं है कि वो चुंबक से चिपकेगा। पालक ले लीजिए, अनार ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, ये भी तो नहीं चिपकते आयरन, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और वो चुंबक से नहीं चिपकते। तो जो ओरिजिनल नेचुरल चीज होती है ना वो ऐसे चुंबक से नहीं चिपकती है।
तो बेस्ट आयरन है, अगर आपके घर में कोई भी बहन बेटी प्रेग्नेंट है तो आप न्यूट्रलाइट चेरी आयरन उनको दीजिए। यस फ्रेंड्स, तो आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि आपको क्या खाना है, आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको लोहा खाना है या प्योर जो वनस्पति में से आयरन मिलता है वो खाना है। तो न्यूट्रलाइट चेरी आयरन हमन को प्योर नेचुरल आयरन जो हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो प्रोवाइड करती है, राइट। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे। मैंने जैसे ही कहा था कि हमारा देश आयुर्वेदिक है तो न्यूट्रलाइट आयुर्वेदिक को भी प्रमोट करता है, तो वो है हर्बल रेंज जिसमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, अश्वगंधा, राइट, नाम ही है अश्व, तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है, राइट, और हमको हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा है ब्राह्मी जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को, अलर्टनेस को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों में देखा गया, अरे ओ यार मैं अभी भूल गया, वो याद आ रहा था, वो जो नहीं आता ना वो ऐसा है कि हमारा ब्रेन का फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर वो अच्छी तरीके से करना है तो न्यूट्रलाइट ब्राह्मी इज द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ही अच्छा होगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से एनर्जी में कन्वर्जन बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस्ट प्रोडक्ट इज न्यूट्रलाइट फाइबर, राइट। और दूसरा है आयुर्वेदिक न्यूट्रलाइट आमला विविता की हरिता की, जो हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करता है, राइट। जैसे हम एडल्ट्स में ये सारे रेंज देखी, इस तरह किड्स में भी सारी रेंज है, बच्चों के लिए भी है। अगर हम छोटी एज में ही हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, उससे पहले एक और कैटेगरी है फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं विजन एंड स्किन हेल्थ, राइट। विजन हेल्थ यानी कि हमारी आंखों की विजन को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें दो प्रोडक्ट्स है, मल्टी कैरोटीन प्रोडक्ट्स है और दूसरा है बिलबेरी विथ ल्यूटेन। जो मल्टी कैरोटीन प्रोडक्ट्स है उसमें बीटा कैरोटीन है, राइट, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इसका कॉम्बिनेशन ये दोनों प्रोडक्ट्स में से मिलता है। क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है, सबको पता है, लेकिन विटामिन ए आप अकेले नहीं खा सकते। अगर आप प्योर विटामिन ए अकेले खाओगे ना तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट होने लगती है, इसलिए हमेशा ये कॉम्बो में ही खाना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है जो कॉम्बो में आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई देता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एक प्रोडक्ट है बायोटिन चेरी प्लस, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर, स्किन और नेल के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और ये सारी एडल्ट रेंज के प्रोडक्ट है। इसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी कैटेगरीज है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइट क्रिस रेंज, तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे न्यूट्रलाइट क्रिस रेंज, राइट। जैसे हमारे लिए प्रोटीन की डिमांड होती है तो बच्चों के लिए प्रोटीन की डिमांड 5 गुना और बढ़ जाती है। तो बेस्ट किड्स ड्रिंक डिजाइन किया गया है, राइट, जो चॉकलेट फ्लेवर में आता है, जिसमें कोई कलर्स या प्रिजर्वेटिव नहीं है। किड्स च्यूएबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जो हम जनरली क्या होता है बच्चों के नखरे ज्यादा होते हैं, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने सर्विंग में खाने चाहिए एज पर रिकमेंडेड डेली अलाउंस उस हिसाब से नहीं खाते, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दूसरे उसकी बात प्रोडक्ट है कैल्शियम मैग्नेशियम है, जो कैल्शियम की डिमांड फुलफिल करता है, राइट। उसके बाद च्यूएबल आयरन है और नेचुरल सी, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट। अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके हम बचपन से ही उसकी सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर को पहले से ही मजबूत कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में है स्पेशलिटी रेंज है, राइट। तो अगली स्लाइड में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, स्पेशलिटी सप्लीमेंट्स एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पेशलिटी में इक्निसिया है, राइट, जिसको सीजनल चेंज की एलर्जी होती है उसके लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट्स है। वो 14 दिन का कोर्स होता है, राइट। मान लो कि आप मानसून में से विंटर में एंटर हो रहे हो तो तब इम्यूनिटी सबसे कम हो जाती है, क्योंकि दोनों सीजन का आपको सामना करना पड़ता है। तो ऐसा है कि एक बॉटल आप मानसून में खत्म करो, फिर विंटर आ जाए उसके बाद एक बॉटल, तो ऐसा कोर्स खत्म करने से आपको जो सीजनल चेंज की एलर्जी है उसको आप खत्म कर सकते हो। फिर आपने अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए मिल्क थिसल प्लस है, राइट। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो और पूरे दिन एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो जिनसेंग चेरी प्लस है, और वो फर्टिलिटी को भी प्रमोट करता है, राइट। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है, एक्सेस वे प्रोटीन, जिसको मसल बिल्डिंग का शौक है वो हमेशा वे प्रोटीन यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर वे प्रोटीन में क्या होता है वो जानवरों की चर्बी में से बनाया जाता है, लेकिन ये एक्सेस का वे प्रोटीन है वो मिल्क प्रोटीन में से बनाया गया है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, राइट, जिसको अभी मैं यहाँ पे कैरी करके बैठा हूँ और आपके साथ एनर्जेटिक के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ, और सिंपली आप हेल्दी रहोगे, जयेश भाई ने बोला ना जी की जान है तो जहान है, राइट। आप और अच्छा खाओगे तो अच्छा जियोगे और लंबा जियोगे, राइट। इसी के साथ मैं थैंक्स करता हूँ, राइट, मेरे मेंटर को जयेश एंड सोनल पटेल, जिसकी वजह से मैंने आज पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपके सामने कंडक्ट किया और अपने नॉलेज को शेयर किया। मैं प्रेजेंट
मैं थैंक्स करता हूँ जिसने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है, मिस प्रिया गज्जर को, और मेरी वाइफ जिसने इस पूरे प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया गया है। राइट, इसी के साथ बैक टू द होस्ट। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वीकेंड, और वीकेंड की टीम ने बहुत अच्छी तरह से रन किया पूरा प्रोग्राम, और सबने अच्छी तरह से नोट भी किया, वो हम लोग सब देख भी रहे थे, काफी अच्छी तरह से लोगों ने सीखा भी, और मेरे ख्याल से अभी सब लोग हेल्दी भी रहेंगे, बराबर ना। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए वीकेंड के लिए, वीकेंड और उनकी टीम के लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखिए वीकेंड की टीम में वे उनकी वाइफ ने भी सपोर्ट किया, लूसी राणा ने, और उनकी टीम में प्रिया गज्जर है जो यंग लड़की है, लेकिन कितनी अच्छी तरह सिंक्रोनाइज करके कोई भी जगह पर फंबल नहीं होने दिया और अच्छी तरह से रन किया। तो एक बार अगेन जोरदार ताली पूरी टीम के लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू वीकेंड एंड टीम। और दोस्तों मैं हम लोग में इतना बोल सकता हूँ कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अभी सभी लोगों का हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, तो लेकिन मैं आप सभी को इतना बोल सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, और ये लोगों की रिक्वायरमेंट वाली चीज है, बिजनेस भी और प्रोडक्ट्स भी। और जितने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है उतने कम, उससे कहीं गुना ज्यादा कम लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने के, यानी हम सब इकट्ठा मिलके लगेंगे तब जाके हम खुद हेल्दी रहेंगे, और हम सबका एक सोशल सर्कल रहता है उसको भी हम लोग हेल्दी रख पाएंगे और अपने देश को भी हम लोग हेल्दी रख पाएंगे। तो मैं सभी को बोल सकता हूं दोस्तों कि सब लोग एक साथ अच्छे से सीख कर, अच्छा सा मूल्यांकन करके इस बिजनेस को कर सकते हैं हम लोग। और आपका बिलीफ बढ़ाने के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पर काफी सारे कनेक्ट है, उसमें से काफी सारे लोग अच्छी खासी इनकम कमाते हैं, उसमें 3% से लेकर 6%, 9%, 12%, 15% सभी प्रकार, सभी लेवल के लोग यहाँ पर, लेकिन मैं 15% के नाम बोलना चाहूंगा यहाँ पर, ताली। उसके बाद ब्रांड न्यू बीपीआई है जो अच्छे स्ट्रक्चर के साथ अच्छे खासा पैसा कमाते हैं, 40,000 से ऊपर का पैसा कमाते हैं, तो जिनका नाम है पारुल एंड हरेश पटेल, तो उनके लिए जोरदार ताली। उनके बाद यहाँ पर भाई बीबीआई है तेजस एंड आनंदी पटेल, वो भी बहुत अच्छी तरह से उनकी टीम को सर्व करते हैं, लोगों को मदद करने के लिए तत्परता बताते हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और उनके बाद ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर अभी हमारे हाथ यहाँ पर कॉल में मौजूद है, जो मैंने प्लान में बताया कि ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर लास्ट मंथ में समथिंग 1,10,000 का समथिंग का चेक कमाए इस बिजनेस से, और ये लॉकडाउन स्पीड ईयर में जबकि घर से कोई निकल नहीं रहा था और लोगों की इनकम कम हो गई, बिजनेस टफ हो गए, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, जिनका नाम है कमलेशन अरुणा वसोया, तो उनके लिए जोरदार ताली। अगर यहाँ पर है तो उनका नाम हम उनके उनसे ही सुनेंगे, तो कमलेशन अरुणा वसोया आपका नाम और इंट्रोडक्शन दे दीजिए। दोस्तों नाम छे मारु कमलेश वसोया ने हूं डायमंड मा जॉब करयो छु। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ अरुणा वसोया एज ए बिजनेस वुमन। थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और आज के होस्ट वही लेवल पे हैं जिन्होंने अच्छी तरह से होस्टिंग किया, मैनेज किया, अगर नंबर्स जूम के बढ़ गए तो भाई उन्होंने तुरंत यूट्यूब की आईडी तुरंत जनरेट कर दी, ऐसे एक्टिव होस्ट हमारे हाथ में, जिस वजह से अच्छी तरह से हम लोग प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। तो ऐसे सिल्वर प्रोड्यूसर प्रशांत रंजना, उनके लिए जोधा देली, और उनका नाम और काम बोलेंगे। प्रशांत रंजना, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बैक टू माय वाइफ अंजना। ओके, जस्ट वे कंटिन्यू, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज। और इससे काफी सारे बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन अभी इस कॉल में मौजूद नहीं हैं। तो मैं, मेरी वाइफ बाजू में बैठे हैं, तो उनको बोलूंगा ऑनलाइन मैसेज दे, और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ओवर टू सोनल।
सिंगल मैसेज इतना ही बोलना चाहूंगी, जो जानकारी हमें इतनी बढ़िया मिली है वही जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है, लोगों का भला करेंगे अपना भला हो जाएगा। थैंक यू। एक्सीलेंट, एकदम सही बात बोली दोस्तों। लोगों की रिक्वायरमेंट इतना समझ लो, ये बिजनेस 60 साल से अलग अलग कंट्री में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं थोड़ा ओपन माइंड और करूं तो भाई अमेरिका में 60 साल से चल रहा है, आज भी लोग वहां पर ज्वाइन होते हैं और इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है दोस्तों। तो सोचो अपने भारत में तो कितने ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी बहुत कम लोग हैं अपने पास बिजनेस के चार्ज लेने वाले। तो हम सबको इकट्ठा मिलकर लगना पड़ेगा, तब जाके हम सभी लोगों को हेल्दी रख पाएंगे, और सब लोग हेल्दी रहेंगे तो इंडिया हेल्दी रहेगा, तो इंडिया का ग्रोथ होगा और अपना खुद का भी साथ साथ में ग्रोथ होगा। तो सब लोग एक साथ लगेंगे लोगों को मदद करने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।